हेलो फ्रेंड्स, हिंदी करंट अफेयर में आपका वेलकम है। 19th यानी कि 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 की लिस्ट मैं आज आपको बता दूं, जिनकी जो लिस्ट है विजेता सामने आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं ऑस्कर पुरस्कार विजेता 2018 की लिस्ट। ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये कहां पर हुए हैं, तो डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ठीक है, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड का डॉल्बी थिएटर है, वहां पर इन अवार्ड्स का जो है कार्यक्रम हुआ। और कब हुआ? 4 मार्च 2018 रविवार को हुआ। ये 90वें हैं, 19th ऑस्कर अवार्ड हैं, और ये जो है इन्हें हम अकाडमी अवार्ड भी कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? गैरी ओल्डमैन। और किस फिल्म के लिए? डार्केस्ट आवर फिल्म के लिए गैरी ओल्डमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉरमंड को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉरमंड। और किस फिल्म के लिए? 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसौरी। ठीक है, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसौरी, इस फिल्म के लिए फ्रांसिस मैकडॉरमंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द शेप ऑफ द वाटर, और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है डेल टोरो। तो इसके नीचे देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो डेल टोरो को मिला है, किस फिल्म के लिए? द शेप ऑफ द वाटर के लिए। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट होगा, ये 4 पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म और निर्देशक। बाकी अन्य भी मैं आपको बता दूँ, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार मिला है अ फंटास्टिक वूमन। ठीक है, ये विदेशी भाषा की फिल्म है अ फंटास्टिक वूमन, और इसी श्रेणी में भारत से जो है न्यूटन फिल्म को भेजा गया था। ठीक है, जिसकी जो है बाद में एंट्री खारिज कर दी गई थी। तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म है अ फंटास्टिक वूमन। और एक देखिए, ये एक और चर्चा में फिल्म है डंकर्क नामक फिल्म है ये। इसे 3 श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं इस फिल्म ने। ठीक है, और कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट साउंड एडिटिंग। इन 3 श्रेणी में डंकर्क फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री या को एक्ट्रेस, एलिसन जैनी, किस फिल्म के लिए? आई टोन्या, इस फिल्म के लिए इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार एलिसन जैनी को। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता सैम रॉकवेल। ठीक है, सैम रॉकवेल इनका नाम है, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता हैं, किस फिल्म के लिए? 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसौरी, इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया है ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कोको। ठीक है, कोको नामक फिल्म है ये, इसको बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म डियर बास्केटबॉल। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार डियर बास्केटबॉल को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द शेप ऑफ वाटर, ये जो फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये 13 श्रेणियों में नामित हुई। कुल 13 कैटेगरी में इसका नामांकन हुआ, जिसमें से 4 अवार्ड इसने जीते। एक तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट निर्देशक, ओरिजिनल स्कोर और प्रोडक्शन डिज़ाइन। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो है सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा श्रेणियों में जो है नामित हुई, तो वह है द शेप ऑफ द वाटर। और कितने अवार्ड मिले उसे? तो 4 अवार्ड मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्कोर और प्रोडक्शन डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर अवार्ड का, देखते हैं क्या है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड रोजर ए डिकिंस को मिला है, और किस फिल्म के लिए? ब्लेड रनर 2049 फिल्म के लिए मिला है। ब्लेड रनर फिल्म है ये, ब्लेड रनर 2049 के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड रोजर ए डिकिंस को मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, इसका अवार्ड मिला है हेवन इज अ ट्रैफिक जैम ऑन द 405, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का शॉर्ट का अवार्ड है। नेक्स्ट क्या है ऑस्कर 2018, 90वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में श्रीदेवी और शशि कपूर को श्रद्धांजलि भी दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में जो श्रीदेवी का निधन हुआ है, तो उन्हें ऑस्कर 2018 का जो समारोह हुआ 90वें ऑस्कर अवार्ड में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो प्राप्त किया है गैरी ओल्डमैन ने, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जो किस फिल्म के लिए? डार्केस्ट आवर के लिए इन्हें मिला है। इन्होंने इस फिल्म में विंस्टन चर्चिल की भूमिका निभाई है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गैरी ओल्डमैन को जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल की भूमिका इसमें निभाई है।
अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कारों की। तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस AMPAS द्वारा इन पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ऑस्कर से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा इनमें से वो पा जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है तो इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर फंस जाएगा ऑस्कर से संबंधित। तो इतना ही आज के लिए, खुश रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बी पॉजिटिव, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे पहले तो आपसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।